प्रस्तुत पांचवें और छठे परिच्छेद में कवि हमें किताबों के संपर्क के बारे में बताते हैं कि किताबों से जब संपर्क बना रहता था तो हम किताबों को अपनी छाती पर लेकर कभी पढ़ा करते थे। न केवल पढ़ा करते थे बल्कि छाती पर लेकर कभी कभी किताबों को छाती पर लेकर कभी कभी हम सो जाते थे और उससे उन किताबों से हमें ज्ञान प्राप्त होता था। और लेकिन कंप्यूटर के आ जाने के कारण आज वो संपर्क कुछ टूट सा गया है और न केवल टूट गया है बल्कि किताबों से जो जाती रखता था वो भी कट गया है। इसीलिए कभी कभी किताबों को हम रेल पर रख कर पढ़ा करते थे। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के कारण किताबों की हालात बहुत ही खस्ता हो गई है। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था तब लोग किताबों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते थे, बहुत सारी पढ़ाई किताबों से करते थे। लेकिन कंप्यूटर आने के कारण जो लोगों के रिश्ते किताबें उठाने के कारण पहले रिश्ते बनते थे वो रिश्ते भी बनते हुए अब नजर नहीं आते थे। कोई किताबों में कोई गुलाब का पुष्प रख दिया करता था तो वह सूखे हुए गुलाब के पुष्पों को भी लोग संभाल कर अपने पास रखते थे। लेकिन आज कंप्यूटर के आ जाने के कारण ऐसे पुष्प किताबों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जो संबंध पहले प्रस्थापित होते थे वो संबंध भी आज प्रस्थापित नहीं होते हैं। ये केवल हो रहा है कंप्यूटर आने के कारण। कवि एक बात और समझाना चाहते हैं कि किताबों को जब कोई अलमारी से बाहर निकालता नहीं है तो किताबें वही पड़ी पड़ी महीनों महीनों लोगों की राह देखती हैं कि उनको कोई पढ़कर बाहर निकालकर कोई पढ़ेगा, उनकी खस्ता हालत को कोई कम करने की कोशिश करेगा। न कंप्यूटर के कारण न आज रिश्ते बनते हैं, कंप्यूटर के कारण किताबों को अलमारी से बाहर निकाल कर न कोई पढ़ता है। और इसी बात को कवि गुलजार जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।